तो गाइस ये वीडियो एमए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि गुड न्यूज़ है। तो गाइस मैं उनको बता दूं कि उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उनका रिजल्ट अभी आ चुका है। तो गाइस वो आसानी से अपने ही मोबाइल में 2 मिनट में अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देख लेना है क्योंकि मैं इसमें सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप आसानी से अपने एमए फाइनल ईयर का रिजल्ट देख सकते हैं सिर्फ अपने ही मोबाइल से। सो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो इस चैनल पर डेली लाता रहता हूं। तो गाइस अपना एमए का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओके गाइस, तो गाइस मैं आप लोगों को गूगल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाके टाइप कर देना है। ओके, सर्च बार में जाके टाइप करना है CSJMU। ओके, CSJMU टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सिंपल सा सर्च कर लेना। ओके गाइस, जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है और आप यहां पे देखेंगे कि कानपुर यूनिवर्सिटी, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है कानपुर यूनिवर्सिटी। तो गाइस सिंपल सा इसी कानपुर यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक कर देना। ओके, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का होगा। तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ एक वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। ओके गाइस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो सिंपल सा गाइस इसमें स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा है रिजल्ट। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये लिखा है रिजल्ट। तो गाइस सिंपल सा आपको इस रिजल्ट वाले पे क्लिक कर देना। ओके गाइस, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप यहां पे देख सकते हैं रिजल्ट्स है ना, सबसे फर्स्ट पे है रिजल्ट्स एंड नीचे है एनुअल एग्जाम एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो गाइस इस पे आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है यानी कि एनुअल एग्जाम पे। ओके गाइस, एनुअल एग्जाम पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस होगा कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एनुअल एग्जाम का ऑप्शन आ जाता है यहाँ फर्स्ट पे एंड यहाँ पे देख सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम एंड एमएससी, एम जिसका भी रिजल्ट आप देखना चाहें यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं एमए फाइनल ईयर का। तो गाइस सिंपल सा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एमए फाइनल ईयर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है एमए फाइनल ईयर। तो गाइस सिंपल सा आपको इस एमए फाइनल ईयर वाले पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो गाइस सबसे पहले आपका आ जाएगा सेक्शन एंड आ जाएगा कोर्स टाइप एंड एग्जाम टाइप एंड कोर्स एंड ईयर सेमेस्टर एंड रोल नंबर। तो गाइस ये सारा आपको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद सर्च पे क्लिक करना। तो गाइस चलिए मैं फिलअप करके दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं फिल करता हूँ सीजन, तो फर्स्ट नंबर पे है, इस पर क्लिक करता हूँ और अपना ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपना ईयर है 2020 और 21। ओके गाइस, तो इस पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे कोर्स टाइप। ओके, तो सिंपल सा इस कोर्स टाइप वाले के सामने क्लिक करना है एंड कोर्स टाइप जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पीजी। ओके गाइस, तो पीजी पे क्लिक कर लेना है। पीजी पे क्लिक करने के बाद एग्जाम टाइप पूछेगा आपका थर्ड नंबर पे एग्जाम टाइप। तो एग्जाम टाइप पे आपको क्लिक करके एंड रेगुलर जो है तो आपको रेगुलर करना है एंड आपका प्राइवेट है तो प्राइवेट करना। ओके गाइस, तो सिंपल सा अपना रेगुलर या प्राइवेट जो भी हो कर लेना है एंड कोर्स टाइप मांगेगा। तो आपका कोर्स क्या है, तो कोर्स आपका है एमए। तो सिंपल सा आपको एमए पे क्लिक कर लेना है। ओके गाइस, एमए पे क्लिक करना है। एमए के बाद आप जब आप ईयर सेमेस्टर के सामने क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट ईयर है या फाइनल ईयर। तो गाइस अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको फाइनल ईयर का। तो सिंपल से इस फाइनल ईयर पे क्लिक कर लेना है। फाइनल ईयर पे क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर, तो रोल नंबर अपना फिल कर देना। जो भी आपका रोल नंबर हो अपना रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद गाइस सिंपल सा आपको सर्च पे क्लिक कर देना। ओके, तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है एंड जो पास हुआ है फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। तो गाइस ऐसे आप भी अपना आसानी से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली लाता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।